मॉर्निंग मित्रों, हाल आप ही हूँ। मैं संजीव कुमार जायसवाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर। मित्रों, यहाँ आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट है। हम लोग पढ़ेंगे समरी संख्याओं का मापांक ज्ञात करना। तो समरी संख्याओं का मापांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका फार्मूला होता है जेड बराबर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अर्थात मापांक बराबर होता है वास्तविक भाग और प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है जेड बराबर 1 माइनस आई का मापांक ज्ञात करना है, यानी जेड बराबर 1 माइनस आई, यानी जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई से पहले तुलना करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो हमको वास्तविक भाग मिलेगा 1 और काल्पनिक भाग मिलेगा -1, अर्थात मापांक बराबर होता है वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, यानी 1² + 1² = √2। दूसरा टॉपिक हमारा है समरी संख्याओं का ध्रुवीय रूप तथा त्रिकोणमितीय रूप, पोलर एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। मानेंगे माना कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, जो कि ये आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर है, जहां पर आर मापांक और थीटा गुणांक है। तो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा बराबर एक्स प्लस आई वाई। तो दोनों पक्षों के वास्तविक और काल्पनिक भाग की तुलना करेंगे तो यक्स बराबर आर कॉस थीटा समीकरण नंबर 1-2 हो गया, और वाई बराबर आर साइन थीटा इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 और 3 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो समीकरण 2 के LHS और समीकरण 3 के LHS, यानी यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और समीकरण 2 का RHS और समीकरण 3 का RHS, आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर, यानी यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है तो आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि ये त्रिकोणमितीय समीकरण है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, अर्थात आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग करेंगे तो वाई अपान एक्स बराबर आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा, तो वाई बाई एक्स बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अर्थात वाई अपान एक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब ये थीटा का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे और यही हमारा ध्रुवीय रूप हो जाएगा।